राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे टीएमसी और आम आदमी पार्टी से। टीएमसी और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे जिस तरह से विस्तार होती नजर आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए जो है वो विलुप्त हो जाएगी और टीएमसी और आम आदमी पार्टी इसकी जगह बना सकती है। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है, पार्टी की दिशा और दशा क्या है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि पंजाब तक में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, पंजाब तक को नहीं बचा पाई कांग्रेस पार्टी जहां पर उनकी सरकार थी। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो धीरे धीरे विकास करती नजर आ रही, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का विस्तार होता नजर आ रहा है, इससे ये समझा जा रहा है कि वाकई बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी विस्तार कर सकती है, बड़े स्तर पर वो बदलाव कर सकती है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी वो लगातार बड़ी रणनीतियां बना रही है। पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी को फायदा मिला है उसके बाद अरविंद केजरीवाल के हौसले और बुलंद होते नजर आ रहे, लेकिन टीएमसी और आम आदमी पार्टी जब एक साथ आते नजर आ रहे तो कांग्रेस का भविष्य खतरे में। और अब कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि क्या रणनीतियों और नीतियों में बदलाव करना है या उन्हीं नीतियों और रणनीतियों पर काम करना। और अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले और चुनाव में झटका लगेगा, क्योंकि पार्टी जब तक बदलाव नहीं करेगी, जब तक चीजों में फेरबदल नहीं करेगी, तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। चलिए देखते हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी आगे और क्या बदलाव करती है। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।